मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में पहले सुधार बताया जा रहा है। बीते दिन ही खबर आई थी कि उनके शरीर में हरकत होने लगी है। वो अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करने लगे हैं। परिवार से लेकर फैंस तक हर कोई उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांग रहा है। ऐसे में उनके मुख्य सलाहकार ने भी कानपुर के पनकी मंदिर में पूजा अर्चना की। कानपुर में मंगलवार के दिन बुढ़ा मंगल की धूम रही। इस दिन हजारों श्रद्धालु पनकी मंदिर में दुआ मांगने जुटते हैं। ऐसे में राजू के स्वस्थ होने की कामना करते हुए उनके मुख्य सलाहकार अजीत सक्सेना पनकी मंदिर पहुंचे। अजीत ने मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन किए और राजू के स्वास्थ्य की प्रार्थना की। अजीत के साथ ही राजू के खास दोस्त और बचपन के साथी संजय कपूर भी मंदिर पहुंचे। संजय ने भी अपने जिगरी दोस्त के लिए हनुमान मंदिर में प्रार्थना की। दुआएं मांग संजय ने कहा कि राजू भाई के साले आशीष से बात हुई थी, जो बता रहे थे कि राजू भाई में जो पहले इम्प्रूवमेंट था वह उससे और बेहतर हो गए हैं, लेकिन वे अब भी वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक राजू वेंटिलेटर पर है तब तक मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। डॉक्टर्स का मानना है कि जब राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर से बाहर आ जाएंगे तभी वे इसे सफलता मानेंगे। संजय ने राजू के बारे में बात करते हुए बताया कि वे मेरे साथ बचपन में पढ़े हैं, हमेशा उनकी याद बनी रहती है। मैं राजू भाई के परिवार से बात करता रहता हूँ। पहले की तुलना में उनके हालत में सुधार हो रहा है, जिससे हमारी आशाएं बढ़ गई हैं। हम जानते हैं कि राजू भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। संजय कपूर ने बताया कि राजू के भाई दीपू आज ही मुंबई लौट गए हैं, उनके साले आशीष भी लखनऊ गए हैं। इस समय पत्नी, बेटा, बेटी और बड़े भाई सब दिल्ली में राजू के साथ हैं। मैं सोमवार को राजू भाई से मिलने दिल्ली जाऊंगा। राजू श्रीवास्तव के पीए गर्वित नारंग का कहना है कि मैं इस समय कानपुर में हूँ, मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई है, हमें बेटा हुआ है, मैं अब कुछ दिनों बाद दिल्ली जाऊंगा। बस इतना ही निश्चित है, राजू श्रीवास्तव के जितने मिलने वाले हैं परिजन हैं, अब वह भगवान इन्हीं आशाओं में जी रहे हैं कि राजू ठीक जरूर होंगे। इधर उनके शरीर में कंपन शुरू हुई है और वह पहले से अच्छा संकेत दे रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के बारे में मुख्य सलाहकार ने पिछले दिनों में बताया था कि उनकी हालत में सुधार होने लगा है, लेकिन अब भी वह वेंटिलेटर पर है। राजू का शरीर हिलने लगा है, वो अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्नी शिखा के हाथ को छूकर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे।